वेलकम फ्रेंड, इस वीडियो में करेंट अफेयर का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाली बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे आपके पार्ट 7 है, पार्ट 6 तक पहले अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगस्त 2019 में ई कॉमर्स अमेजन द्वारा कहाँ पर अपने सबसे बड़े परिसर का शुभारंभ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया आपके भारत के हैदराबाद में। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लिंगायत समुदाय से संबंध रखने वाले 111 वर्षीय शिव कुमार स्वामी जी का निधन हो गया, ये किस मठ के प्रमुख थे? तो आपको याद रखना है सिद्ध गंगा मठ के। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के द्वारा हिंदुओं के लिए 1000 साल पुराना मंदिर खोला गया है? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान में जो है 1000 पुराना मंदिर हिंदुओं के लिए खोला गया है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और आपको याद रखना है ये पाकिस्तान के सियालकोट में ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, अर्थ ओवर शूट डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 29 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो आपको याद रखिएगा जिस दिन मानव द्वारा पारिस्थितिक संसाधनों व सेवाओं के उपयोग की सीमा पृथ्वी द्वारा उस वर्ष उत्पादित संसाधनों व सेवाओं की सीमा को पार कर जाती है, उस दिन आपको अर्थ ओवर शूट डे मनाया जाता है। साथ में आपको ये भी याद रखना है इसे प्रतिवर्ष ग्लोबल फूट प्रिंट नेटवर्क द्वारा इसे मनाया जाता है। फिर से बोल देते हैं, प्रतिवर्ष ग्लोबल फूट प्रिंट नेटवर्क के द्वारा इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मकराना के मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है और एक साइड संगठन दिया गया है और एक साइड अध्यक्ष दिया गया है। तो देख लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? के सिवन आपके अध्यक्ष हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एक का चार और दो का आपके एक, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो जी नागेश्वर राव हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको याद रखना है अजीत कुमार मोहंती। कौन है? अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के रसगुल्ले को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा के रसगुल्ले को। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जो आपके रसगुल्ला है इसके लिए दो राज्यों के बीच संघर्ष चला, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में, लेकिन फाइनली जो है जीआई टैग प्रदान किया गया उड़ीसा राज्य को। ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है कि महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है, 12वीं सदी से यह मिठाई परोसी जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी तर्क के जो आधार पर है उड़ीसा को रसगुल्ला का जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में किया गया है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कहाँ पर एक ऐसी कवक प्रजातियों की खोज की गई जिनसे रक्त कैंसर, याद रखना है ब्लड कैंसर के उपचार में सहायता मिलती है, तो कहाँ पर से खोजी गई है? तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका से। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस उच्च न्यायालय द्वारा प्रति पॉलीथीन पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है, किस हाईकोर्ट के द्वारा? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए, एक में दिया गया है आयोग और एक साइड दिया गया है अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है
रेखा शर्मा है। और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है। ठीक है, एनके सिंह है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार गुप्ता हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नंद कुमार साय हैं। ठीक है, नंद कुमार साय। तो इसे कर लीजिएगा सहाय। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में पहली बार ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो आपको याद रखना है कहाँ किया गया है, मेघालय राज्य में। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है ओहोई ससाकावा को। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेत्री को गिफोनी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का ग्रेफन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है रानी मुखर्जी को। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगस्त 2019 में ओप ब्लू फ्रीडम दिल्ली चरण अभियान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है यह किया गया है किरेन रिजिजू और बाइचिंग भोटिया के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो के साथ आपको सुमिलित करना है। एक साइड रचनाएं दी गई है और एक साइड रचयिता दिए गए हैं। किसके द्वारा बुक लिखा गया है वो दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि नाट्यशास्त्र जो आपका है इसके लेखक कौन है नाट्यशास्त्र के, तो आपको याद रखना है भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि। उसके बाद अलंकार शास्त्र इसके जो लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है राजा भोज हैं। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। और माई म्यूजिक माई लाइफ इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है पंडित रविशंकर। तो जो इसका राइट आंसर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विमोचित द डायरी ऑफ मनु गांधी नामक पुस्तक के संपादक एवं अनुवादक कौन है, तो आपको याद रखना है त्रिदीप सुहर्द। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म क्वाक्वेरेली साइमंड्स के अनुसार छात्रों के लिए सर्वोत्तम शहरों की सूची में निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो आपको याद रखना है भारत का बंगलोर जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा अप्रैल 2019 में मलेरिया वैक्सीन के पायलट परीक्षण किया गया है, तो आपको याद रखना है ये किया गया है मलावी में। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मलावी आपके एक अफ्रीकी कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य ने राज्य छत सौर आकर्षण सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आपको याद रखना है इसमें कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है। एक साइड आपके राष्ट्रीय पार्क दिया गया है और एक साइड राज दिया गया है, तो केवला देव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो आपके सिक्किम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ है, ये आपके असम में है। सुंदरबन राष्ट्रीय अभयारण्य ये कहाँ है, ये आपके पश्चिम बंगाल में है। तो इसे आप लोग मैच कर लीजिए, एक का चार हो जाएगा। और तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्चून द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम नेताओं की 2019 की सूची में निम्नलिखित में से कितने भारतीयों को स्थान प्राप्त हुआ है, तो केवल एक भारतीय को स्थान प्राप्त हुआ है 50 के अंदर में। वो व्यक्ति कौन है, तो आपको याद रखिएगा कोयम्बटूर के सामाजिक उद्यमी अरुणाचलम मुरुग नानम। ठीक है, मुरुग नानम, उनको कौन सा स्थान मिला है, उनको 45वां स्थान मिला है। नेक्स्ट,
अप्रैल 2019 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मेगा इंडिया अभियान किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रारंभ किया गया है, तो आपको याद रखना है मलेरिया के लिए। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व मलेरिया दिवस आपके 25 जुलाई को मनाया जाता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा मलेरिया को पूर्णतः भारत से कब तक समाप्त करने का निर्णय लिया है या लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक, ठीक है, 2030 तक। नेक्स्ट, JNU प्रोफेसर मीता नारायण को पुसिकन पदक 2019 से सम्मानित किया गया, यह पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह पुरस्कार है यह प्रदान किया जाता है आपके रूस के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 15वें G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा, तो आपको याद रखना है यह किया जाएगा रियाद सऊदी अरब में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छा, G14 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ओसाका जापान में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है, तो आपको याद रखना है ये घोषित किया गया है कुआलालंपुर को, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है। नेक्स्ट, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है और एक साइड केंद्रीय मंत्री दिए गए हैं और एक साइड उसका मंत्रालय दिया गया है, तो एस जयशंकर को याद रखना है ये आपके विदेश मंत्रालय से संबंधित है, जबकि गंजेद सी शेखावत ये आपके जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है, और जो अर्जुन मुंडा है ये आपके आदिवासी मामले के मंत्रालय से संबंधित हैं, जबकि सदानंद गौड़ जो हैं या गौड़ा ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए 4, उसके बाद हो जाएगा आपका 1, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नासा के किस मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर शनि ग्रह के छल्ले की आयु 1 से 10 करोड़ वर्ष के बीच बताया गया, तो आपको याद रखना है कैसेनी मिशन के तहत। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठाकुरानी यात्रा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके उड़ीसा राज्य में। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में फानी तूफान द्वारा भारी क्षति हुई, यह कहाँ उत्पन्न हुआ था, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, तो आपको याद रखना है जो फानी तूफान है यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत सरकार का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया आपके राजीव गौबा को, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस स्थान पर 4000 वर्ष प्राचीन समाधान स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद रखना है सनौली से। कहाँ से? सनौली। सनौली किस राज्य में पड़ता है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके सनौली पड़ता है, याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, भारत द्वारा इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान विकसित किया गया, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आपके इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जारी किया था, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण एवं सामाजिक आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए कार्यों में समन्वय का प्रयास करना इसका उद्देश्य है, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। हम लोग इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर डिस्कस किए जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।